इंडियन मार्केट में दोस्तों आज के टाइम में काफी नई नई कारें लॉन्च हो रही है। अगर मैं मारुति की बात करता हूँ तो मारुति तो भाई एक से बढ़कर एक कार यहाँ पे लॉन्च कर रही है, हर एक कार को चेंज कर रही है। एक कार आपके लिए और लॉन्च हो गई है, ऑल्टो K10 स्टैंडर्ड की बात हमने कर ली है। आज हम बात करने वाले इसकी VXI वेरियंट के बारे में। ये एक ऐसा वेरियंट रहने वाला है जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सेल आउट होगा, क्योंकि इसके अंदर काम की चीजें मिल जाएंगी। प्राइसिंग भी इसे काफी कम रखी जाएगी VXI प्लस से। देखने वाली बात है, जो भी प्राइसिंग रहेगी मैं कमेंट में वो चीज पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां से उस चीज का मजा ले सकते हो, देख सकते हो उस चीज को अच्छे तरीके से। तो भाई उसकी टेंशन मत लेना। शुरुआत करते हैं फ्रंट के फेशिया से। तो भाई फेशिया कंप्लीट तरीके से चेंज हुआ है, और ये चीज चाहे आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे कहनी पड़ेगी यार, कि पुरानी वाली जो ऑल्टो वहाँ पे खड़ी है उसके जैसा लुक नहीं दिया। वरना फिर यार कन्फ्यूजन वही आता ना, बंदा ऑल्टो लेगा या K10 लेगा, लेकिन यहाँ पर अगर बंदा K10 लेता है तो उसको लुक भी नया मिलेगा, स्पेस भी नया मिलेगा, और हर एक चीज़ आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। तो सामने का लुक कुछ इस तरीके से बनता है। लाइटिंग साइड रिफ्लेक्टर में रखा गया है। इंजन आपको 1 लीटर का देखने को मिलेगा। साइड से बात करते हैं तो साइड से आप लुक चेकआउट करो कुछ इस तरीके से बनता है। ORVM की बात कर लेते हैं पहले फटाफट से, कि ORVM एडजस्ट कैसे करना है वो देखने वाली बात है। तो ORVM यहाँ भी आपको स्टिक से एडजस्ट करने हैं, मतलब स्टैंडर्ड में तो सब आपको बाहर से करना था, लेकिन इसमें आपको स्टिक से एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर फोल्ड अनफोल्ड करना है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फेंडर में टर्न इंडिकेटर मिल रहे हैं, 13 इंच का टायर का सेटअप मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस देखने में ऐसा लग रहा है कि अच्छा होगा, क्योंकि आप देख सकते हो गाड़ी यहाँ पे थोड़ी उबड़ खाबड़ रस्ते में खड़ी हुई है, फिर भी इसके अंदर इतनी स्पेसिंग मिल जा रही नीचे कि गड्ढे वड्ढे मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत नहीं आने वाली है। तो लुक कुछ इस तरीके से बन रहा है। पीछे से अगर दिखाऊं तो पीछे से भाई लुक आपको ऐसा मिलेगा, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं कराया गया। 2 पार्किंग सेंसर मिल जा रहे हैं, टेल लैम्प की हाउसिंग आपको पूरी हेलोजन में मिलेगी। डिजाइनिंग भाई सिलेरियो से मिलती जुलती रही गई है। सुजुकी का बैच मिल रहा है, ऑल्टो और K10 का बैच मिल जा रहा है। बाकी अगर डिग्गी खोलनी है, यहाँ से नहीं खोलने वाली, बस चाबी लाके खोल सकते हो, अंदर से आपको खोलनी पड़ेगी यहाँ से, और लगे हाथ भाई मैं आपको यहाँ पे चाबी भी शो कर देता हूँ। तो स्टैंडर्ड और सॉरी LXI और VXI सेम चाबी आपको मिलने वाली है। चलते हैं पीछे की तरफ को, तो यहाँ पर आप देखो कुछ स्पेसिंग इस तरीके से बन जाएगी, और स्पेसिंग डिसेंट लग रही है यार, मतलब हाँ ऑल्टो जो है उससे अच्छी स्पेसिंग यहाँ भी मिल जाएगी, कैबिन स्पेस भी अच्छी मिल जाएगी। दिखाता हूँ मैं आपको अंदर, गाड़ी भी लॉक है, डोर को लॉक अनलॉक करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पीछे की स्पेसिंग देखो, और सीट की डिजाइनिंग भी लगी है, चेक करो यार डिजाइनिंग आपको कुछ इस तरीके से मिलती है। स्पेसिंग डिसेंट कहूँगा, ऑल्टो से काफ़ी बेटर है। अपने सेगमेंट में भाई रिनॉल्ट की जो क्विड आती है ना उससे लगभग लगभग सेम ही मान के चलो आप, इतनी आपको स्पेसिंग मिलेगी। बाकी फ्रंट की सीट भी दिखाता हूँ आपको मैं, वो कुछ भाई इस तरीके से आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि चेंजेस क्या क्या है भाई LXI से VXI में। सेंटर में चेंज देखने को मिलेगा, मारुति का जो टिपिकल सा आपको देखने को मिलता है ब्लूटूथ वाला कनेक्शन वाला, वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसको हटाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं आपको, मैनुअल AC, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, 5 स्पीड गेयरबॉक्स मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से बनता है। डोर आप देख लो, पानी की बोतल कैरी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो, बाकी नीचे स्पीकर मिल जाता है। और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो इस साइड आप देखो, यहाँ से आप इसका ग्लव बॉक्स चेकआउट कर लो, स्पेसिंग कुछ इस तरीके से बनती है। तो कुल मिला के बातचीत कुछ इस तरीके से रहती है भाई VXI की। सेंटर में आपको इसका एंटीना देखने को मिल जाएगा फ्रंट की तरफ, और गाड़ी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है, मतलब ऑल्टो से एक अच्छा अपग्रेड है। और ठीक है यार, काफ़ी लोग एस्प्रेसो लेने में कतराते थे, लेकिन वो ये गाड़ी पर जरूर से जा सकते हैं, क्योंकि लुक ख़राब नहीं करे गए हैं, और यहाँ पर आपको थोड़ा साइज़ बड़ा दिया गया है, तो अंदर आपका हेडरूम स्पेस वगैरह सब कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो भाई लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं आपको मिलता बहुत जल्दी से नए वीडियो के संग, तब तक ले जय हिंद जय भारत।